हे दोस्तों, स्मार्ट डिस्ट्री फ्रेंड चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं अलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का लाइव मॉक प्रैक्टिस सेट चलेगा फ्रेंड्स, जो कि जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके रेलवे, एयरफोर्स, SSC में काम आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। 51वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? कौन सी नदी आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो फ्रेंड्स, जो आपकी राजस्थान में पाई जाने वाली लूनी नदी आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप समूह पर स्थित है। कौन सा है फ्रेंड्स आपका? बैरन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में रहती है। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। कौन सी बकरवाल जनजाति जो है फ्रेंड्स आपकी जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके में पाई जाती है, जो पहाड़ी एरिया जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको जनजाति मिलती है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी फ्रेंड्स जो भारत की संविधान सभा में, वो थी एकमात्र महिला बेगम एजाज रसूल, आपकी भारत की संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो ये स्वतंत्र भारत के बाद जो भाषाई आधार पर भारत का राज्य बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के आधार पर, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है वह है आपकी, आपको पता होना चाहिए, सी हीलियम आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकित्सीय उपकरण इंडोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो इंडोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है वह है आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टीम ने IPL 2017 का क्रिकेट कप जीता था? तो जो IPL 2017 का क्रिकेट कप जीता था वो आपको जीता था, आपको पता होना चाहिए, मुंबई इंडियंस से आपने IPL 2017 का क्रिकेट कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 64वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए किसको चुना गया? तो जो 64वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था आपका जायरा वसीम को। किसे? जायरा वसीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है वो है आपका छऊ। कौन सा? छऊ। रासलीला फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा? रासलीला आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चित्रकला के कौन से प्रकार की उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी? तो जो आपकी राजस्थान में उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी आपकी फाड़ नाम का जो आपका चित्रकला है उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फाड़ नाम की जो चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ किसके द्वारा लिखी गई है? यह क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ? नटवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट बुक है आपका क्वेश्चन है, भारत के मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो जो आपकी परियोजना की शुरुआत की गई है वह है आपकी सागरमाला परियोजना। कौन सी परियोजना? सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्लैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? तो जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे वह थे आपके, आपको पता होना चाहिए, सुनील गावस्कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे कम आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में से किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो जन्मदिन मनाया जाता है फ्रेंड्स, वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्लैश का पागल बाबा अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके वृंदावन में, कहाँ पे? वृंदावन में जो पागल बाबा का मंदिर है, वृंदावन फ्रेंड्स कहाँ पे मत रहा है? मथुरा में, मथुरा वृंदावन में जो पागल बाबा का मंदिर है वो अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चना मुद्रा निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय पकवान है? चना मुद्रा, जो चना मुद्रा है वो आपका जो लोकप्रिय पकवान है वो है आपका हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय पकवान है। कहाँ का लोकप्रिय पकवान है? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो ये उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है आपका अशोक। अशोक आपका उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध परिषद स्लैश में आयोजित की गई थी जहाँ बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी, कश्मीर। आपका बौद्ध प्रसिद्ध कश्मीर में आयोजित की गई थी और जहां बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध प्रसिद्ध की जो बैठक हुई थी वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? तो उपाधि प्राप्त की थी आपकी गयासुद्दीन बलबन जी ने आपकी जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की थी। अंग्रेजों के शासनकाल में न्यायाधीशों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? तो जो गवर्नर जनरल उत्तरदायी था वह था आपका लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस आपका उत्तरदायी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो आपका इलाहाबाद में नेतृत्व किया था वह किया था आपका नाना साहिब ने। किसने किया था इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? नाना साहिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासन काल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? तो जो नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था वह कर दिया था आपका औरंगजेब ने। फ्रेंड्स अपने शासनकाल में जो नौ दुर्गे मनाए जाते हैं नौ देवियों के ऊपर, उनको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। तो फ्रेंड्स आपको लगाना है ऑप्शन सी, औरंगजेब आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स ये ऐसी मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का डेली एक लाइव प्रैक्टिस सेट चलाऊँगा जिसमें मैं आपको 10 से 15 मॉक प्रैक्टिस सेट चलाऊँगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।